अपना YouTube चैनल। गाइस ये वीडियो आज खास होने वाली है, जो लोग अपने डिजिटल प्रोडक्ट Etsy पे सेल करते हैं या सेल करना चाहते हैं, लाइक टेम्पलेट्स हो गया, इनविटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड्स, थैंक यू कार्ड्स, काफी सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी सेल करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग एसईओ से रिलेटेड, Etsy एसईओ से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर करते हैं। सो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे उन ज्वाइन करने वाले लोगों को 30 फ्री लिस्टिंग Etsy की आपको वहां पे उसका कूपन कोड अवेलेबल हो जाएगा। सो जल्दी से जाके नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा देख पा रहे हो आप, ये हमारा चैनल है, हम बात कर रहे थे डिजिटल प्रोडक्ट की। जैसे एक अकाउंट है कि काफी सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सो ऐसे आप अगर Etsy पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, टेम्पलेट्स हो गए, कैनवा के टेम्पलेट्स हो गए, थैंक यू कार्ड्स हो गया, इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स हो गए, वेडिंग कार्ड्स हो गया, सो कोई सा भी आप टेम्पलेट सेल करते हैं, तो इन फ्यूचर क्योंकि आपको अपने फिजिकल स्टोर सॉरी डिजिटल प्रोडक्ट को खुद की वेबसाइट के ऊपर भी सेल करना अगर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम एक स्टोर क्रिएट करेंगे इस तरीके का। यहाँ पे देख रहे हो कि इस तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, आप खुद की वेबसाइट पे कैसे सेल कर सकते हो और कौन से टूल के थ्रू हम ये करेंगे, वर्डप्रेस के थ्रू नहीं करेंगे। एक टूल है जिसका, दिस इज ए इंडियन कंपनी दुकान, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, अभी इसके ऊपर ऑफर भी चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, ये जो गोल्ड प्लान है 8999 और ये प्लेटिनियम प्लान है 29,000 का, तो ये है 17,000 का, तो और ये 5,399 में मिल रहा है ये वाला। तो इस टूल की हेल्प से हम एक डिजिटल स्टोर क्रिएट करेंगे। ये टूल आप फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट कुछ भी सेल करना चाहते हैं तो इन प्लान्स के थ्रू जा सकते हैं। ये प्लान्स आपको लेना पड़ेगा, शॉपिफाई की तरह है एकदम, एंड शॉपिफाई से काफी बेटर है, एंड इसकी स्पीड शॉपिफाई से भी बेटर है वेबसाइट की, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड काफी इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें आप देखोगे यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, विद इन सेकेंड्स स्टोर ओपन हो जाएगा। सो इसमें लोडिंग स्पीड सबसे फास्ट है, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू। एंड इसके ऊपर कैसे स्टोर बनेगा, आप इनमें से कोई सा भी प्लान ले सकते हैं और हम भी पार्टनर्स हैं दुकान के, तो उनमें से अगर हमसे भी आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हम भी आपको हेल्प करेंगे सेटअप करने में स्टोर और प्लान वगैरह को परचेज करने में। सो गाइस चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। लाइक आई एम ऑलरेडी अ पेड मेंबर, सो मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। इस तरीके का डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा जैसे ही आप कोई प्लान खरीदते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर काफी अच्छी थीम्स है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ थीम्स है, अभी न्यूली हर मंथ वह कुछ ना कुछ थीम्स लॉन्च करते रहते हैं। सो मैंने डिजिटल प्रोडक्ट की थीम को अभी यूज कर रखा है, वो इस तरीके, ये थीम इस तरीके से डिजाइन होगी। सो अभी हम चलते हैं इसको सेटअप कैसे करना है। मैं प्लगइन्स के अंदर जाऊंगा, इनका एक प्लगइन है डिजिटल प्रोडक्ट के नाम से। सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ प्लगइन को। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है इंस्टॉल पे, प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, सेटिंग्स पे जाने के बाद मुझे हो चुका है प्लगइन, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद मुझे यहाँ पे सेटिंग्स चूज करनी है, नंबर ऑफ डाउनलोड्स पर कस्टमर, एक कस्टमर कितनी बार फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। जैसे मैंने 5 कर रखा है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक वैलिडिटी पीरियड, कितने दिन बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाना चाहिए, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितने दिन के लिए। एंड गाइस इसके बाद किन लोगों ने आपके लाइक ईमेल्स के थ्रू डाउनलोड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी ऑर्डर आईडी आएगी, कस्टमर का नेम, कस्टमर ईमेल, कस्टमर नेम, स्टेटस, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दिखेगी, ईमेल जो सेंड होंगे कस्टमर को, और उसका एक टेम्पलेट जो ये सेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को, लाइक जो परचेज करेगा मेरी कोई डिजिटल प्रोडक्ट या टेम्पलेट्स हो गए या कुछ भी, तो उसको एक टेम्पलेट जाएगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है, इस तरीके का टेम्पलेट। तो आप अपना इस टेम्पलेट को अपना कस्टमाइज कर सकते हैं सब चीजें, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम जाएगा उसको, यहाँ पे फर्स्ट नेम जाएगा, प्रोडक्ट का नाम जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाएगा जो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये सब चीजें आपने समझ ली, ये सारे ईमेल वगैरह के लिंक हैं, आप खुद से कस्टम लिंक डालना चाहते हैं तो भी आप यूआरएल यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करने पे जैसे गूगल ड्राइव पे आपको शेयर करना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे। ऑलरेडी मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर रखा है, वो आप यहाँ से अगर नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइसिंग वगैरह ये सब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और उससे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना है, स्टोर सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में जाना है। एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको जैसे ये अपलोड फाइल फॉर डिजिटल डिलीवरी, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको जैसे ये आपके में नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे क्रिएट एट्रीब्यूट करके एक डिजिटल फाइल के लिए एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है,
जैसे क्रिएट प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी आपके क्रिएट हो जाएगी, जैसे ये हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी को चूज कर लेना है। आप जैसे ही चूज करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट के लिए। तो मैं कुछ आपको जो ऑलरेडी मेरा एक प्रोडक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका प्रोडक्ट का नेम डाल दिया, कैटेगरी मैंने डिजिटल प्रोडक्ट चूज कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये 199.99 प्राइस डाल दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया प्रोडक्ट का, पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। एंड उसके बाद मैंने फोटोज डाल दिया यहाँ पे, एंड इसके बाद ये आपको इन्वेंट्री वगैरह की जरूरत है नहीं। यहाँ पे एसईओ के लिए टाइटल टैग डाल सकते हैं, काउंटडाउन टाइमर लगाना है आपको, काउंटडाउन टाइमर को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। प्लस आपको जो फाइल अपलोड करनी है डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, जैसे ये देखिए मैं एक फाइल अपलोड कर लेती है, मैं एक और आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। लेट सपोज इस पीडीएफ को अपलोड करते हैं, ये मैंने अपलोड कर दी। तो मैं ये वाले पीडीएफ आप अभी एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ को, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, ये प्रोडक्ट अपडेट हो चुका है। अब मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू कर देते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो ये प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है। बाहर से पहले स्टोर का आप देख लेते हैं, जैसे मैंने एक ही प्रोडक्ट डाल रखा है तो ये प्रोडक्ट आ चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका डिटेल पेज, जैसे यहाँ पे स्लाइडर है, स्लाइडर पे आपको फोटोज दिख जाएगी प्रोडक्ट की जो भी मैंने डाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, प्राइसिंग आ जाती है, यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर आ जाता है, यहाँ पे आप फ्लैश सेल एंड इस तरीके से यहाँ पे ऐड टू बैग बाय नाउ करके, ये कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई परचेज करता है तो उसको ऑटोमेटिकली दुकान की तरफ से ईमेल चला जाएगा, ईमेल से वो इस फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। सो काफी इजी प्लेटफॉर्म है, इस पे आप फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। सो अगर आपको दुकान प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे किस तरीके से आपको स्टोर सेटअप करना है। आपको इसके लिए कोई भी इंटीग्रेशन और कोई भी ऑटोमेशन टूल की जरूरत नहीं है, सारे कुछ इनबिल्ट इसमें फीचर्स हैं, उसके थ्रू आपका काम हो जाएगा। सो काफी अच्छा टूल्स है गाइस, एक बार आप जरूर से ट्राई कीजिए। इसका 7 दिन का ट्रायल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि इसके साथ आपको जाना चाहिए या नहीं। तो पर्सनली मैं यूज करता हूं तो मेरे को काफी अच्छा लगा और काफी फास्ट है। एज ए वर्डप्रेस और शॉपिफाई किसी से भी आप कंपेयर करेंगे तो इसकी वेबसाइट काफी फास्ट लोड होती है। सबसे ज्यादा अच्छा फीचर इसी का इसका यही है। एंड इसमें आप प्रोडक्ट्स वगैरह को अपलोड कर सकते हैं, खुद के फेसबुक एड्स गूगल एड्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। सो पहले आप ट्रायल लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।